नहीं, ये बहुत ही भयानक अंदेशा था। मुझे जल्द से जल्द इलुहा का द्वार खोलने के लिए उन चार दुर्लभ कुंजियों को ढूंढना होगा। शौर्य, क्या हुआ? मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। मुझे किसी बहुत ही भयानक घटना का पूर्वाभास हुआ है बालपरी, इसलिए तुम बिना एक पल की देरी किए बालवीरों और परियों को यहाँ बुलवा लो। जी शौर्य। माफ करना शौर्य, हम इन बैग के साथ बालवीर कम और डिलीवरी बॉय ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन हम करते भी क्या, जब शौर्य ने हमें यहाँ बुलाया तब हम ग्रह शांति की पूजा के लिए सामान लेने गए थे। बाय द वे शौर्य, ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो हमें 5G की स्पीड में यहाँ आना पड़ा? इस समय यह जानना आवश्यक नहीं है तुम्हारे लिए। हमें जल्दी से जल्दी एक ब्रह्म कवच धरती के चारों ओर लगाना है। ब्रह्म कवच? लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली कवच है जिसे कोई भी घातक से घातक ऊर्जा तोड़ नहीं सकती। इस ब्रह्म कवच को बनाने के लिए तुम्हारे और विमान को चार दिशाओं में जाकर चार शक्तिपुंजों को ढूंढना होगा। शक्तिपुंज में क्या है शौर्य? इन शक्तिपुंजों से तुम्हें चार दुर्लभ कुंजियां लानी होंगी। उन चार दुर्लभ कुंजियों में ऐसी अपार शक्ति है कि अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया जाए तो बर्बादी का सैलाब आ सकता है। कुछ समझे तुम लोग? ऐसी शक्ति अगर काबू में आ जाए तो जीत का अंगार, और अगर बेकाबू हो जाए तो नरक की आग। विकेट क्वीन टिम्नासा, एनर्जी एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, अगर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो हाई वोल्टेज का शॉक भी लग सकता है। बिल्कुल सही। बट मैं आस्क क्वीन टिम्नासा कि अगर आपको इस दुर्लभ की एनर्जी के बारे में पहले से पता था तो इसकी एनर्जी हमने पहले इस्तेमाल क्यों नहीं की? ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्लभ कुंजी पानी का संयोग 100 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, जब सौर मंडल के सारे ग्रह एक ही रेखा में सीधे हो जाते हैं। और कल वो संयोग फिर से आने वाला है। हाँ, और कल सुबह होते ही तुम दोनों को पूर्व दिशा में जाकर उस पहली दुर्लभ कुंजी को ढूंढना होगा। ठीक है। आपने उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताया? वक्त आने पे उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। लेकिन तिमनासा, तुम्हें नहीं लगता कि वीरलोक वालों को भी इन दुर्लभ कुंजियों के बारे में पहले से पता होगा? बिल्कुल, और वो बुढ़ा शेर उन दोनों बालवीरों को भी जरूर भेजेगा उस चाबी को ढूंढने के लिए। पर अफसोस, उसके लिए भी मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? एक ऐसी योजना जिसके बाद दोनों बालवीर धरती लोक से कोसों दूर चले जाएंगे। पार्टनर, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें चारों दिशाओं में शक्तिपुंज लाने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उस खतरे के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। और हम ये प्रिकॉशन किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? लेकिन शौर्य हमसे कुछ छुपा रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण जरूर होगा। यू आर राइट भैया, लेकिन अभी चलते हैं, काफी देर हो गई है। हाँ, चलो। अब घर जाने का कोई फायदा नहीं है। चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। मतलब? रिलैक्स भैया, ये चिंटू चिंटे की बातों को सीरियसली लेना ऐसा है जैसे बिना बॉटम के बकेट में पानी भरना। बात तो सही, चलो। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप उल्टे पाओ लौट जाओ। रिंकू, अरे नो लेफ्ट नो राइट, सुतली इज ऑलवेज राइट, चुपचाप उल्टे पैर लौट जाओ। ये सब लोग हमें घर जाने से मना क्यों कर रहे हैं? कहीं घर में कोई मुसीबत तो नहीं आई? चलो। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? ओह,
तो तुम्हारी पलटन इस खतरे के बारे में बात कर रही। पूजा की सामग्री लेने गए थे या फिर खुद ही कहीं महायज्ञ में बैठ गए थे तुम दोनों? आप बोलो नहीं, सुनो। पूजा का मुहूर्त खत्म हो गया, मेहमान भी चले गए हैं और पंडित जी भी। सॉरी माँ, सॉरी सॉरी वॉरी नहीं सुनना है मुझे। पहले तुम दोनों ये बताओ कि गृह शांति की पूजा से भी इम्पोर्टेंट क्या काम था तुम दोनों को? एक्चुअली माँ, हमने पूजा की सामग्री तो 10 ही मिनट में खरीद ली थी। लेकिन फिर हमें रास्ते में एक भटका हुआ बच्चा मिला। हाँ, बच्चा मिला। अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ बताओ, नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम था बंटी। जानती थी मैं पूजा में नहीं बैठना पड़े, इसलिए तुम मुझे बंटी बल्लू की स्टोरी सुना रहे हो। अरे नहीं नहीं, आज तुम्हें मार मार के ठीक कर दूंगी मैं। अरे आज घर के अंदर घुसना मत तुम दोनों। अरे माँ माँ, अरे माँ, क्या भैया आप समझ ही नहीं पाए, मैं बस से बंटी बोलने वाला था। वाह, मुझे लगा तुम बस से बालवीर बोलने वाले। ये हमारा चांस है मेहमान, चलो चल के उड़ा देते हैं। उड़ाना? अरे क्या उड़ाने वाले हो, इन दोनों के प्राण पखेरू? नोप। तो फिर क्या उड़ाने वाले हो, इन दोनों का मजाक? जस्ट वेट एंड वॉच। टेंशन के क्या बात है, शुभ मुहूर्त तो अभी भी चल रहा है ना माँ? हाँ, और मेहमानों का क्या है, एक फोन करेंगे वापस आ जाएंगे, और पंडित जी भी यूं आ जाएंगे, गृह शांति पूजा तो अभी भी हो सकती है। हाँ? देवो भैया, आपको क्या लगता है इस बार कौन सा हथियार होगा, झाड़ू या बेलन? मुझे तो लगता है इस बार कपड़े धोने वाला धोखा होगा। माँ क्या थे, सीधा इनके पैर पकड़ लेते हैं। माँ, माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बोलो नहीं, सुनो, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। अब मेरे पैर छोड़ो। अब और ये लो, लड्डू की थाली हवन के पास रख कर आ। हाँ माँ। ओके माँ। और हाँ माँ, मैं सारे मेहमानों और पंडित जी को कॉल करके बुला लेता। ये देवू भी ना विवान के साथ रह रहे के बिगड़ गया है। नमस्ते। नमस्ते। कौन हो तुम? और मेरे घर में क्या कर रहे हो? हाँ? और ये क्या पहना हुआ है तुमने? निकलो यहाँ से, निकलो। अरे निकलो, नहीं तो मारूंगी। कौन हो तुम? अरे 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 करुणा जी, इस एक हाथ से कितने लोगों को मारेंगी, अभी तो आपके घर में दो और नए मेहमान हैं। वेरी गुड क्वेश्चन करुणा जी। बोलो नहीं, सुनो।
शुभ रात्रि। दुनिया की मदर्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स अपने सर पे ले लेती है, पर देबू और विवान को अपनी मदर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फ्री में मिलने वाली है। शौर्य, आपने बालवीर और विवान को अपने पूर्व आभास के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर उन्हें आने वाले खतरे की भयानकता का पता चल जाता तो वो लोग बेचैन हो जाते। क्या हुआ शौर्य, आपने हम सबको यहाँ इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कल सुबह दोनों बालवीर दुर्लभ कुंजी लाने जाएंगे, लेकिन मुझे शंका है कि तिमनासा आज रात कोई चालाकी करने का प्रयास कर सकती है। इसलिए परियो, हम चाहते हैं कि तुम सब काल्लोक और तिमनासा की गतिविधियों पर नजर रखो और हमें पल पल की खबर देते रहो। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। करुणा जी गौमूत्र दीजिए। माँ, पंडित जी आपसे गौमूत्र मांग रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे आइटम्स रखे हैं, इनमें से पंडित को क्या चाहिए? माँ माँ, वो तो गंगा जल है, वो बॉटल में गौमूत्र है। खुशी? हाँ? मैंने तुमसे कहा था ना गौमूत्र कमंडल में डालने के लिए। कब मम्मी? बोलो नहीं सुनो, एक तो भूल गई, ऊपर से बहस लड़ा रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी मम्मी। करुणा जी, अपना पारिवारिक ड्रामा बंद कीजिए और गौमूत्र दीजिए, पूजा का मुहूर्त निकलता जा रहा है। ये ले पंडित। ये लीजिए पंडित जी। आगे की असली शक्ति तो मैं थोड़ी देर में पता चलेगी। तौबा तौबा, इतना उत्सुक होके तड़पो मत। अरे तड़प तो रेक की हो रही होगी अंदर, एक तो शिंकाई वासी है, ऊपर से कॉलेज के लड़कों की भाषा में बोलता है सोचता है। आई विल वेट वेट एंड वॉच नो होप। अरे ये धरती वालों की पूजा उसके समझ में कहां से आ रही होगी? इन बेवकूफों की पूजा पता नहीं कब खत्म होगी। इन्हें स्पेशल लड्डू खिलाने के लिए रेस्टलेस हो रहा हूं मैं। अपने इष्ट देवता को याद करके आप दोनों यज्ञ कुंड में आहुति दीजिए। कब तक इंतजार करना पड़ेगा बैराजा? बस एक बार रे अंदर से पूजा खत्म होने का संकेत दे दे, उसके बाद दोनों बालवीरों पर मुसीबत की बारिश करेंगे हम। तौबा तौबा।
लोग तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर तिमनासा और उसकी चिल्लर पार्टी यहाँ नहीं है तो कहाँ है वो लोग? ऐसा मैं नहीं बोल रहा है। माँ, ग्रह शांति की पूजा तो अधूरी है जब तक हमें आपका आशीर्वाद नहीं मिलता। I agree। अगर माँ की दुआ मिल जाए तो बैड लक भी गुड लक बन जाता। How cute। इन दोनों डफर्स को तो ये पता ही नहीं है कि मैं इन दोनों को बुराई की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी स्पेशल लड्डू में खिला चुका हूँ। मुझे लगता है हमें शौर्य को अलर्ट करना चाहिए कि हम लोग जितना समझ रहे हैं तिमनासा उससे भी बड़ा कोई गेम खेल रही है। हाँ चलो। वाह कर्णा जी, लड्डू तो बिल्कुल सॉलिड बनाए आपने। इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मेरी शादी में भी नहीं थे। हाँ वे, अब करुणा पर एकदम स्वादिष्ट लड्डू है। ओ एंजॉय गाइस, क्योंकि अब शौर्य तो क्या, तो मैं तुम्हारा गॉड भी सेव नहीं कर पाएगा। वैसे माँ, हमेशा की तरह आपने अपनी बनाई हुई डिश तो सबको खिला दी, लेकिन अब खुद ही खाना भूल गए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा, आपको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा और आपके दोनों बेटे आपको ये खिलाएंगे। तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। माँ आप हमें गाइस बोल रही हैं? और जब हम वहां पे पूजा में पंडित जी के साथ बैठे थे तब आपने उन्हें पंडित कहकर बुलाया था। हाँ भैया, हमारी माँ कूल बन रही है तो इसमें बुरा क्या है? हाँ। लीजिए। ये क्या? ओह, ये क्या हो रहा है? माँ, विवान? Game is on. आ गया रे का संकेत, यानी उड़ाने का अशुभ मुहूर्त आ गया। तौबा तौबा, विस्फोटक से उड़ाने का? विस्फोटक नहीं, तौबा तौबा, लेकिन विस्फोटक से भी घातक होगी ये उड़ान।
अबे दोनों बालवीर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उनका लौटना नामुमकिन होगा।